गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में आपने सुना होगा कि एक हाथी था और उसका पैर एक दिन सरोवर में जल पीने गया तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, दोनों में युद्ध हुआ। तो आप लोग भी कहते होंगे कैसी पुराण की कथा है, हाथी मगरमच्छों की कथा और जोड़ दी इसमें। लेकिन आपको पता है, मैं आपको एक दिन पहले ही बता रही थी और आज भी बता रही हूं कि इन कथाओं के माध्यम से आपको वेदांत दिया जाता है, कि ये हमारे अपने आप का दर्शन कराया जाता है कि वो हाथी और मगरमच्छ कोई नहीं, वो हमारा जीवन चक्र है। वो हाथी कौन है? वो गजेंद्र है, 10,000 हाथियों का बल है, 1,000 पत्नी है, 1,000 बालक है, ऐसा उस हाथी का वर्णन आता है। और वो एक सरोवर में जाता है, सरोवर में स्नान कर रहा था, पत्नी बच्चों के साथ किलोलें कर रहा था, उसी समय ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया। 100 बरस तक युद्ध होता है मगरमच्छ हाथी के बीच। जीत किसकी होती है? खींचकर मगरमच्छ लेकर जाता है और अंत में वो भगवान को पुकारता है गज, तो प्रभु दौड़ कर आते हैं, उस ग्रहा का वध करके गजराज को बचा लेते हैं। अब ध्यान देना, इस कथा के साथ वेदांत है। हमें शास्त्रों में हाथी की संज्ञा दी गई है, किन मनुष्यों को? जो अतीत की चिंता में रहता है, था थी थे में रहे कि नहीं, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास ये था, अब कुछ नहीं, वो पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं, वो था थी के भूत की चिंता में रहे, वो हाथी। कि हाथी वही है जो जड़वत है, जो वर्तमान चल रहा है उसके सुख को ना भोग करके अतीत के दुखों को लेकर बैठा, जो निकल चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रहा। होता है कि नहीं होता है? अतीत के चक्करों को लेकर बैठते, किसी ने साल भर पहले अपमान किया होगा, वो अपमान की बातों को लेकर बैठ करके अपना आज के सुख वाला दिन भी बर्बाद कर देंगे। एक बार एक सासू जी ने, बहू ने सुंदर भोजन बनाया तो सास ने को पसंद नहीं आया, उसने गालियां दी उन्हें, अच्छे मंत्र बोले थे वो तो मैं यही जानती हैं। तो दूसरे दिन बहू ने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सबको खिलाया, अपनी सास के लिए भी लेकर गई, सास ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी गालियां दी। पता है क्यों? उसने कहा आज भोजन बहुत अच्छा है लेकिन तू कल क्यों नहीं ऐसा बना कर लेकर आई, और वो कल की चिंता ने आज के भोजन का स्वाद बेकार कर दिया, वो थाली उसने पटक दी। क्योंकि कल की चिंता ही हमें हमारे आज के वर्तमान को खराब कर देगी, और आज का वर्तमान आपने दुख में गुजारा है तो कल आने वाला जीवन भी दुख में होगा। क्योंकि वर्तमान को अगर आपने संतुलन और सुख में नहीं रखा तो भविष्य, क्योंकि वर्तमान के कार्य अच्छे नहीं हुए तो भविष्य का आने वाला, जो आने वाला कल है, वो आपका कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमें अतीत की चिंताओं को इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, हो गया सो हो गया, लेकिन अब वर्तमान में जो चीजें हैं उन्हें संभालें। जो प्रभु ने आज का दिन दिया है बड़ा कीमती है, उसे ऐसे सोचकर बर्बाद ना करें, उसे सोचें तो आगे आने भविष्य के लिए सोचें, आज के वर्तमान को किस प्रकार से जिए इसलिए सोचें। तो जो था थी में रहे वो हाथी, तो हम भी तो बड़े गर्व में रहते ना, अपने बालक, अपने रिश्तेदार, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ये पद प्रतिष्ठा, बस अपने सामने तो किसी को समझना ही नहीं है, वो हाथी जैसी हमारी कंडीशन है। अब वो भी सरोवर में गया, हम भी कहीं जाते हैं बस मग्न हो जाते हैं, अपने आनंद में ऐसे मगन होते हैं भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। तो मृत्यु ने पकड़ लिया, वो ग्रहा ही मृत्यु है। क्या पकड़ा? हाथी के पैर पकड़े। अच्छा बताओ, मृत्यु जब आती तो सबसे पहले घुटने ही खराब होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? हम बोलते हैं अजी बैठा नहीं जाता, घुटने खराब हो गए। मृत्यु सबसे पहले नंबर पहले यहाँ घुटने पैर खराब करे, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर और ऊपर चढ़ेगी, फिर और हार्ट फेल कर देगी, हार्ट खराब करेगी, फिर और ऊपर बुद्धि खराब कर देगी, धीरे 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 चढ़ती। ग्रह भी ऐसे लेता जा रहा है, और हम मृत्यु में और हम में जीव में 100 वर्ष तक का ही तो युद्ध होता है, जैसे उनके बीच में 100 वर्ष का युद्ध हो रहा है। कहते हैं जब ग्रह पकड़ रहा था तो पत्नी बच्चे भी सहायता कर रहे थे उसकी, लेकिन थक गए तो फिर छोड़कर चले गए।
ये मत सोचो, आपके भी पति पत्नी, आपकी भी पत्नी बच्चे आपकी बड़ी सहायता करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सबको आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे हाथी में बल था तो वो किसी की सहायता नहीं मांग रहा था, खुद जूझ रहा था। हम में भी बल होता है तो हम खुद अपनी लड़ाइयां खुद लड़ते, किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आंखें मैं खुद देख सकता हूँ, मेरे पैर मैं खुद चल सकता हूँ, मेरे कान है मैं खुद सुन सकता हूँ। लेकिन एक समय बुढ़ापा ऐसा आता है, ना कान अच्छे रहते, ना आँख अच्छी रहती है, ना शरीर अच्छा रहता है। मोहताज होते हैं बच्चों के कि फिर आँख कमजोर हो गई तो बोलना पड़ता है, बेटा देखना क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे, पूछ कर आओ, वो क्या दिखा रहे थे, मुझे कुछ दिखा नहीं। बेटा मंदिर ले जाओ, पहले खुद में बल था तो खुद सारे काम कर लेते थे, अब सहयोग की जरूरत पड़ती है। वही पत्नी बच्चों का सहयोग है, लेकिन कौन कब तक आपको सहयोग देगा? एक जगह लेट गए ना तो 2-4 महीने लेटे ना तो परिवार वाले भी बूढ़े लोगों के लिए कह रहे थे, भगवान मुक्ति दो, मुक्ति दो, इनको मुक्ति दिलाओ। 1 साल लेट गए तो घर वाले माला जपते हैं, हे भगवान मुक्त हो जाए, ये मुक्त हो जाए। ऐसा वैराग्य लोगों में अपने आप ही पैदा हो जाता है। सब छोड़कर चले गए, तब उसे याद आया मैंने जीवन भर जिनका जिनको नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने मेरा कभी साथ ना छोड़ा होगा, मैंने कभी उनको याद ना किया। आज पुकारा, हे प्रभु आज मुझे बचाइए, मैंने जीवन में कभी याद ना किया, लेकिन आज मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे बचाएं। और कहते इतनी सी सूंड रह गई थी, इतनी सूंड से ही प्रभु को पुकार रहा था, पूरा शरीर जल में था। कहते मृत्यु के समय सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, इतनी सी बुद्धि ही रह जाती है। अगर भगवान में अगर मन लगा लिया, प्रभु में ध्यान लगा लिया, तो आप प्रभु के हो गए, और संसार में ध्यान लगा लिया तो आप संसार के हो गए। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु दौड़े, और जिस समय प्रभु दौड़े उस अवतार का नाम रखा गया हरि अवतार, यानी जो कष्टों का हरण करने में सामर्थ्य रखते हैं वो हरि। तो यहाँ हरि भगवान आए, ग्रहा का उद्धार किया और गजेंद्र को, उस ग्रह को, उस गज को बचा लिया। तो यहां पर आगे कथा आती है कि अब समुद्र मंथन की कथा के विषय में वर्णन किया गया। 14 रत्न निकलवाए, उसमें अमृत कलश निकला, देवताओं से छीनकर दैत्य लोग ले गए अमृत को, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। इस बीच दैत्यों को पता चला हमारे साथ छल हुआ है, तो उन्होंने युद्ध की तैयारी कर दी। दैत्यों की ओर से राजा बलि यानी प्रहलाद के सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।